हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज अपन लोग बात करेंगे कि BAMS AM क्या है। इसके बारे में जानकारी आप लोगों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारी डिग्री लेके आजकल आपके भी आसपास में बहुत सारी क्लिनिक चल रही होगी अल्टरनेटिव मेडिसिन का। BAMS AM 3 साल का कोर्स एक टाइम पर गवर्नमेंट ने निकाला था, पैरामेडिकल कोर्स था ये, और डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस कोर्स को कराया गया था। गवर्नमेंट ने यह कहा कि इस कोर्स को निकाला था कि आपको भाई, आप अगर इस कोर्स को करते हैं तो आपको ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग किया जाएगा, आप वहाँ पे आराम से अपना सर्विस दे सकते हो। बाद में फिर हुआ ये कि जब इस कोर्स को स्टूडेंट कंप्लीट कर लिए, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स और कोलकाता के भी स्टूडेंट थे और अदर स्टेट में जहाँ जहाँ पे भी ये कोर्स चल रहा था, तो बाद में फिर ये हुआ कि ये जो कोर्स है सही नहीं है, मतलब इस कोर्स को फर्जी कर दिया गया। और जहाँ जिस स्टेट ने इस कोर्स को निकाला था, जैसे एग्जांपल के लिए छत्तीसगढ़ में ये कोर्स भाई निकला था पैरामेडिकल कोर्स, तो यहाँ पे जो उस टाइम पे जो सरकार थी उसने तो ये कहा था कि भाई आपको पोस्टिंग किया जाएगा। तो बाद में हुआ ये कि 2013 और 14 में जितने भी स्टूडेंट पैरामेडिकल का ये जो कोर्स किए थे, BAMS AM और MBBS AM, अल्टरनेटिव मेडिसिन MBBS से भी आप उस टाइम पे कर सकते थे और आपका ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे सैलरी पैक पे आराम से आप जॉब कर सकते थे, ऐसा था उस टाइम पे 2010-2011 टाइम पे। बट फिर गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, उसके बाद सब स्टूडेंट ये सब कोर्स कंप्लीट कर लिए, पर कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनका कहीं जॉब नहीं लगा तो सभी स्टूडेंट एकदम से बवाल होने लग गया। फिर जाके सब कोर्ट केस कर दिए, कोर्ट केस हुआ तो जितने भी BAMS AM और MBBS AM वाले जितने भी पैरामेडिकल कोर्स के जितने भी स्टूडेंट्स थे इस केस को जीत गए। जीतने के बाद उनको ये मिला कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आप रहिए, आराम से आप मेडिसिन दे सकते हैं इमरजेंसी में, और आप खुद का क्लिनिक भी चला सकते हैं किसी डॉक्टर के अंडर पे रह के। ऐसा करके उनको एक अथॉरिटी के रूप में दे दिया गया, और उसके बाद से ही फिर इस कोर्स को फर्जी करार दे दिया गया। इसलिए BAMS AM करने का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट पे। आज भी बहुत सारे स्टेट में, बेंगलोर में और दिल्ली में, बड़े बड़े जगह पे ऐसी जो डिग्री है, फर्जी डिग्रियाँ आपको मिल जाएंगी कम रेट पे, 1 लाख में, 50,000 में, बट इसे करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप ऐसे चक्करों में बिल्कुल ना फंसें, वैलिड तरीके से डॉक्टर बने। BAMS AM और MBBS AM अल्टरनेटिव मेडिसिन करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही है एक तरीके से, टाइम वेस्ट और आपका पैसा भी वेस्ट। तो ऐसी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी डिग्रियों से बचें आप। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं डॉक्टर बनने के लिए कुछ भी कर गुजर जाते हैं। देखिए, कुछ भी कर गुजर जाना बहुत अच्छा बात है, पर पढ़ाई में वैसा करिए, ये नहीं कि आप दूसरा तरीका अपनाने लगे, फर्जी डिग्री बनाने लगे और फर्जी डिग्री बना के कहीं पे हॉस्पिटल खोल दें, फिर वैसे प्रैक्टिस करें। वैसे में आपको तो रिस्क है ही, जो आपसे इलाज कराएगा उसको भी खतरा है, इसलिए, और साथ में आपके घर वाले लोग को भी खतरा है। इसलिए ऐसी डिग्रियां ना लें, वैलिड तरीके से नीट क्वालिफाई करें, उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने स्किल को इम्प्रूव करें, और आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आपको थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर आपको कोई भी डाउट है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।